हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, अब फिर से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया है और हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है। तो अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताऊंगी कि यहाँ पे ये जो भी अननोन चीजें हैं वो कैसे फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल की। तो यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दी गई है, तो बेस निकालना है। तो बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, 100 माइनस 6 6 36, क्या है हमारा 64। 64 किसके स्क्वायर होता है? 8 का। तो हमारी बेस क्या आ गई? 8 आ गई। ठीक है, फिर बेस या परपेंडिकुलर जिसके भी रिस्पेक्ट में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला पार्ट क्या फाइंड करना है? साइन बी। साइन बी अगर थीटा के बगल वाले क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगी एसी। तो साइन बी की क्या आ जाएगा? पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर हो गई हमारी एसी, यानी कि 8/10। कॉस सी, सी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एसी बेस हो जाएगा और एबी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8/10। ठीक, अब आता है साइन बी एंड साइन सी। तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी? साइन बी की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली 8/10। और साइन सी की वैल्यू क्या होगी? सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो परपेंडिकुलर हो गए 6/10। तो यहां से क्या वैल्यू आई? एलसीएम 10 आया, 8 + 6 = 14, 2 7 = 14, 2 5 = 10, यहां से वैल्यू आ गई हमारी 7/5। ठीक, फिर आता है साइन बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी, ये फाइन करना है। साइन बी की वैल्यू 8/10 पुट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लेते 8/10। ठीक, कॉस सी की वैल्यू 8/10 प्लस साइन सी की वैल्यू भी यहां से निकाली 6/10। अब कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी? ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर एंड दिस हाइपोटेन्यूज, तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/10। ठीक, तो 8 8 = 64, 10 10 = 100 प्लस 64/100 प्लस 36/100, ये क्या आ जाएगा? 100/100 कट गया, क्या आ गया आंसर? 1 आ गया है आंसर इसका। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट में कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड बना दिया गया है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था। तो और इस डीसी की वैल्यू 5 है, बीडी की वैल्यू, यहाँ पे पूरी बीसी की वैल्यू 21 दी थी, तो बीडी की वैल्यू क्या हो गई? 21 - 5 = 16 हो गई। ठीक, और यहाँ पे ये 13 दिया गया है। तो हमें दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ए बी डी या ए डी बी एंड एक ए डी सी। ठीक, दोनों में हम सारी चीजें वैल्यूज फाइन करेंगे क्योंकि देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में भी पूछा है क्वेश्चन और y के रिस्पेक्ट में, y इधर है और x इधर है, तो दोनों तरफ की सारी मिसिंग चीजें फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसमें फाइंड करते हैं, इसमें क्या नहीं मिल रहा है? परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। जब हम 169 से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -25, ये आ जाएगा 144 एंड 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो ये हमारी एडी क्या आ गई? 12 आ गई। ठीक, अब एडी आ गई, बीडी दी गई है, तो हम लोग एबी निकाल लेंगे। ठीक, तो एबी कैसे निकलेगी? ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो क्या होगा? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आ गया। 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है। सारी मिसिंग चीजें फाइंड हो गई। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स इधर है ना, एंगल ये है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गई, पी अपॉन बी होता है टेन की वैल्यू, तो पी है 5 एंड बेस इज 12। ठीक, कॉस वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई इधर है, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, बेस है 16, हाइपोटेन्यूज है 20। ठीक,
ठीक, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर आई। तो सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर वाई की वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, वाई है, वाई के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज है 20 अपॉन परपेंडिकुलर है 12, इसका होल स्क्वायर। ठीक, माइनस कॉट की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन पी, वाई में है बी है 16, पी है 12, 16 माइनस 16 अपॉन 12 का होल स्क्वायर, है ना। क्या आ जाएगा यहां से, 400 अपॉन 144 माइनस 256 अपॉन 144। तो यहां से क्या आया, यहां से क्या वैल्यू आई, 144 अपॉन 144, कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है, 5 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 अपॉन साइन वाई माइनस 3 कॉट वाई। साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में एडी बेस हो गया और डीसी परपेंडिकुलर, तो 5 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी पी अपॉन एच, पी है 5, एच है 13, तो 5 और 13 यहां अपॉन में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं ऊपर जाके इंटू 13, ठीक, प्लस 3 अपॉन साइन वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पी है 12, एच है 20, 12 एच है 20, 20 ऊपर चला जाएगा, माइनस 3 इंटू कॉट वाई, कॉट वाई की वैल्यू क्या होगी, कॉट वाई, कॉट वाई की वैल्यू यहां निकाली थी 16 बाई 12, ठीक, जो कट रहा हो काट देते हैं, 4, 4, 5 से 20, 5 से 5 कैंसिल, 3, 4 जा, 4, 6, 4 जा, ठीक, यहां क्या वैल्यूज आ गई हमारी, 13 प्लस 5 माइनस 4, 13 प्लस 5 18, 18 माइनस 4 40, ये हमारा इसका आंसर है।